हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 उन तरीकों के बारे में जिससे आप जान सकें कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की। दोस्तों, यूं तो हर औरत का सपना होता है माँ बनना, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, मगर ज़्यादातर लोगों के मन में बेटा या बेटी होने को लेकर कई सवाल चलते रहते हैं। कानूनी तौर पर इसकी जाँच पर रोक है, मगर आप कुछ घरेलू तरीकों से भी इसका पता लगा सकते हैं। माँ के कोख में लड़का है या लड़की, इस बात को जांचने का सबसे अच्छा तरीका है महिला के पेट का आकार। अगर गर्भवती स्त्री के पेट का निचला हिस्सा फूला हुआ है और उभरा हुआ है तो ये गर्भ में लड़का होने का संकेत होता है। वहीं अगर किसी महिला के हाथ सुंदर दिखने लगे और हथेली मुलायम हो जाए तो ये लड़की होने का संकेत होता है, क्योंकि माना जाता है कि लड़कियां सौम्यता को बढ़ावा देती हैं। उसके प्रभाव से गर्भवती स्त्री की सुंदरता बढ़ जाती है। अगर किसी स्त्री के गर्भ में लड़का पल रहा हो तो औरत के पैर ठंडे रहते हैं और बाल झड़ने लगते हैं। इस दौरान महिला का मूड भी हमेशा बदलता रहता है। जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान बाएं करवट लेकर सोना पसंद करती हैं, तो समझ जाना चाहिए कि आपके कोख में लड़का है। इस दौरान स्त्री के सिर में भी काफी दर्द रहता है। गर्भ में लड़का है या लड़की, इसे जांचने का एक बेहतर तरीका है बेकिंग सोडा। इसके प्रयोग के लिए गर्भवती स्त्री को सुबह उठते ही अपने सबसे पहले यूरिन को किसी बाउल में रख लेना चाहिए। अब इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें। अगर यूरिन में झाग ना निकले तो समझे कि कोख में लड़का है। अगर किसी महिला को खूब पानी पीने के बावजूद पीले रंग का पेशाब आता है तो इसे लड़का होने का संकेत माना जाता है, क्योंकि गर्भ में लड़की होने पर यूरिन का रंग हल्का गुलाबी व सफेद रहता है। गर्भावस्था के दौरान अगर महिला को मीठा खाने का मन होता है तो इसे गर्भ में लड़की होने का संकेत समझा जाता है। माना जाता है कि कोख में लड़की के पलने से माँ को मिठाइयाँ, आइसक्रीम, चॉकलेट खाने का मन करता है। जिन प्रेग्नेंट औरतों को गर्भावस्था के दौरान कम भूख लगती है, खाना खाने का मन नहीं होता, जी मिचलाता है एवं उल्टियाँ होती हैं, तो समझ जाइए कि आपके घर में लड़का पल रहा है। जिन महिलाओं को गर्भावस्था में पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, इसे लड़की होने का संकेत माना जाता है। कहते हैं लड़कियां लीवर के पास वाली जगह लात मारती हैं। जिन स्त्रियों के प्रेगनेंसी में मुहासे निकल आते हैं, इसे गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है। इस दौरान महिला के स्वभाव में भी काफी बदलाव आते हैं, महिला में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यह थे गर्भावस्था के दौरान होने वाले कुछ परिवर्तन जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की। पर दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं यह हर महिला में एक जैसे ही हो, यह सिर्फ एक मान्यता है। पुराने समय में लोग इन्हीं तरीकों से अंदाजा लगा लिया करते थे गर्भ में लड़का है या लड़की। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।